हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलाने जा रहा हूं डीन IQAC क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की श्री के पांडे सर से। सर, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जैसा कि इसमें COVID-19 का दौर चल रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि COVID-19 के बाद इस एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस रहेंगे? देखिए, COVID-19 ने पूरे अपने सिस्टम ऑफ वर्किंग, सिस्टम ऑफ टीचिंग, सिस्टम ऑफ लर्निंग सब में बहुत बदलाव की आवश्यकता है। एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान का जो है वो काफ़ी पीछे रहा है, इसलिए लोगों को बाहर एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है। इस समय आप सही टाइम है जिस समय MOOC का हम एडवांटेज ले सकते हैं, जो कि काफ़ी समय से सब लोग कह रहे थे। इवन UGC और भारत सरकार ने भी ये कहा था कि 20% क्रेडिट आप MOOC से ले सकते हैं। ये वो समय आ गया है जब हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या केवल कमरों के अंदर ही टीचिंग लगेगी या आप किसी भी समय कहीं से भी टीचिंग कर सकते हैं। ये अति आवश्यक है कि हम एजुकेशन को इस समय पूरे सिनेरियो को ओपन करें। सर, इसी में मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि जैसे जितनी भी हमारी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आजकल इंडस्ट्री एकेडमियाँ जो पार्टनरशिप है उस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो जो क्वांटम यूनिवर्सिटी है वो इस पर कैसे काम कर रही है? देखिए, इंडस्ट्री हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है जिस समय आप एजुकेशन करते थे। मैंने भी जब इंजीनियरिंग करी थी तो एक सेमेस्टर में आपको सेमेस्टर के एंड में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेना बड़ा आवश्यक था। इसी तरह आज भी कई सिलेबस में इंडस्ट्री ट्रेनिंग 4 से 6 हफ्ते की आवश्यक है। पर समय के साथ ये रहा कि इंडस्ट्री वाले अपना समय नहीं व्यर्थ करना चाह रहे थे स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग में, और स्टूडेंट्स भी इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहते थे। इस वजह से केवल सर्टिफिकेट का ही दौर चल गया था, जिससे इंडस्ट्री आज कहती है साहब आपको इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट्स नहीं मिलते हैं। टीचिंग इंडस्ट्री के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं कर पाई, क्योंकि टीचर्स को जो पढ़ाया गया था वो उसी को आगे पढ़ाते रहे। आज के दौर पे जब टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट रेट से चेंज हो रही है, बड़ा आवश्यक है कि स्टूडेंट्स भी इंडस्ट्री में जाके उससे अपने आप को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लें, और टीचर भी इंडस्ट्री में बीच बीच में जाके, मेरा सुझाव ये है कि 6 महीने के लिए इंडस्ट्री में एक इंटर्नशिप करनी चाहिए ताकि वो अपडेट रहे। इस विषय में क्वांटम यूनिवर्सिटी काफ़ी आगे अपने सिलेबस को ले जाने की कोशिश कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि हम उसको कर पाएंगे। इसमें हमने ये रखा है कि इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोग्राम्स भी रहेंगे, जिसमें कुछ क्रेडिट्स आपको इंडस्ट्री के साथ जाके लेने पड़ेंगे। इसी उसमें जो भारत सरकार ने BWOC का प्रोग्राम किया था, उसमें हमने 2 इंडस्ट्री के साथ अभी कोलैबोरेट किया है, एक उत्तराखंड में रुद्रपुर में अशोक लेलैंड से, और दिल्ली में सेफेक्स से किया है। दोनों के साथ इस समय हमने BWOC प्रोग्राम यहाँ के उत्तरांचल के यूथ के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, इसी में मैंने आपसे ही जाना कि क्वांटम यूनिवर्सिटी जो पैशन प्रोग्राम्स है उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो आप थोड़ा सा बताएंगे पैशन प्रोग्राम्स हैं क्या? देखिए, हर स्टूडेंट के अंदर जो टेक्नोलॉजी या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है उसके अलावा उसके अंदर अपना एक चॉइस है। तो मान लीजिए मेरे अंदर अगर म्यूज़िक के लिए पैशन है तो मैं म्यूज़िक के भी कुछ कोर्स करके उसके क्रेडिट ले सकता हूँ। इसी तरह मान लो मैं इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा हूँ, अभी आप देखिए COVID-19 में लोग बाग हर जगह लॉकडाउन हो गए, तो कई बैचलर या यंग होंगे या कहीं पर फंस गए होंगे जिनके लिए बाहर से भोजन लाना मुश्किल था, तो आदमी को खुद खाना पकाना पड़ेगा। तो अगर आपके अंदर खाने पकाने का पैशन है तो हमने ये भी किया है कि आप 4 क्रेडिट हमारे वहाँ, जैसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स चल रहा है तो एक इंजीनियरिंग का प्रोग्राम करने वाला स्टूडेंट वो होटल मैनेजमेंट के प्रोग्राम भी कर सकता है। इस तरह से इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स करके आप अपने पैशन से रिलेटेड प्रोग्राम, आपको कोई इंटरनेशनल या फॉरेन लैंग्वेज सीखनी हो, या आपको क्रिकेट का शौक़ हो, या आपको फुटबॉल का हो, तो ये आपका पैशन है, इसको भी आप आगे बढ़ाए। ये नहीं कि आप कॉलेज में आ गए तो आपने इन सब से दूरी बना ली। इस तरह का हमने क्रेडिट अपने उसमें लिए हैं, और इसी के साथ हमने वैल्यू एडिड प्रोग्राम्स भी लिए हैं, और ये भी हमने उसमें सुझाव दिया है जो हम कर रहे हैं कि आप अपने मेन सब्जेक्ट्स के अलावा दूसरे में माइनर भी ले सकते हैं। एक तो है कि आपने एक पैशन के हिसाब से एक प्रोग्राम कर लिया, एक है आपने उसके लिए एक माइनर डिग्री भी साथ में हासिल करी, जैसे आप MBA में फाइनेंशियल में मेजर कर रहे हों और HR में माइनर कर रहे हों, ऐसे आप बाकी प्रोग्राम्स में भी इंजीनियरिंग में की मेन डिग्री ले रहे हैं और हो सकता है आप होटल मैनेजमेंट में या एग्रीकल्चर में एक माइनर्स भी लें। इस तरह का करिकुलम हमने बनाया है।
बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर ये पैशन प्रोग्राम से रिलेटेड। अब सर एक क्वेश्चन मेरा यहीं पे आता है, जैसे आपने MOOC की बात करी या जो ऑनलाइन कोर्सेज है इनकी बात करी, तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आने वाले फ्यूचर में या आने वाले समय में जो हमारे डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनकी वैल्यू थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगी, लोग अपने घर से ही पढ़ेंगे, तो इन डिग्री कोर्सेज में जो सर्टिफिकेट डिग्री कोर्स की बात करते हैं तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उनके फ्यूचर के बारे में? देखिए डिग्री ने अपनी इम्पोर्टेंस लूज़ कर ली है। पहले एक डिग्री अगर किसी के पास इंजीनियरिंग की या MBA की है तो आदमी उसको लेता था कि ये मिनिमम उसके अंदर स्किल्स होंगी। आज की डेट में स्किल्स नहीं है सब, आप देखिए इंडस्ट्री कहती है कि साहब इंजीनियर्स आ रहे हैं तो बहुत छोटी परसेंटेज है जिनको हम एम्प्लॉय कर सकते हैं। इसी तरह से MBA जो निकल रहे हैं उनके लिए भी इंडस्ट्री यही कह रही है। इसलिए समय ये आ गया है इंडस्ट्री को एट दी एंड वो यूथ चाहिए जो उनके रिक्वायर्ड आउटपुट को दे सकता है। इसलिए डिग्री धीरे धीरे अपनी इम्पोर्टेंस लूज़ करते जा रही है और स्किल्स अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ाते जा रहा है। तो आने वाले यूथ के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी स्किल्स को इंश्योर करें, डिग्री के ऊपर नहीं जाएं। अभी आप रिसेंटली देखिए UGC ने ये कह दिया है कि एक स्टूडेंट एक साथ दो डिग्री ले सकता है, एक रेगुलर कोर्स है और एक डिस्टेंस एजुकेशन का। उसका पर्पज़ यही है कि आज तक जो अभी हम सब एम्प्लॉयमेंट के लिए डिग्री मिनिमम रिक्वायरमेंट देते हैं कि आपके पास बैचलर्स होना चाहिए या मास्टर्स होना चाहिए या PhD होनी चाहिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आने वाला समय केवल स्किल्स के ही लिए ही इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए सर व्यूअर्स हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने इतने अच्छे विचार रखने के लिए और क्वांटम यूनिवर्सिटी के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेष। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद।